तो सबसे पहले मैं फिजिकल म्यूटाजन को जो है वो एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। अब फिजिकल म्यूटाजन में जो सबसे कॉमन जो है वो फॉर्म ऑफ फिजिकल एजेंट को शो किया जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। याद रहे कि हीट भी एक फिजिकल एजेंट जरूर है, लेकिन कुछ लिटरेचर्स में हीट को जो है वो म्यूटाजन के तौर पर शो किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हीट के पास इतनी एनर्जी नहीं है, मतलब जो थर्मल हीट हम आप शो करते हैं तो जो थर्मल हीट होता है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो म्यूटेजेनिक प्रॉपर्टी को शो करे, तो इसलिए हम हीट को नहीं शो कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो शो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी ईएम रेडिएशन को जो है बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन के एनर्जी का फॉर्म भी अलग अलग होता है, और जिन्होंने कभी मेरे से पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जिनके पास वेवलेंथ कम होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है। तो एनर्जी का जो फॉर्म होता है, उस जो फॉर्मूला होता है वो लेमडा यानी वेवलेंथ ऑफ द लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मैं ये शो कर सकता हूँ कि जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ जो है वो कम होता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो है एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। और मैं अगर वाइस वर्सा शो करूं तो जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ जो है वो हाई शो करूंगा मैं उसकी एनर्जी जो है क्या शो करूंगा, लो शो करूंगा। ठीक है, और इसके कंडीशंस में अगर मैं बात करूं तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो म्यूटाजन की तरह बिहेव नहीं करते। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर मेंशन करूं तो देखो शुरुआत होती है आपके एक्सरे से, और एक्सरे से पहले होता है एक कॉस्मिक रे। तो कॉस्मिक रे होता है, एक्सरे होता है, अल्ट्रा वायलेट होता है, विजिबल होता है, फिर इंफ्रारेड होता है, फिर उसके बाद जो है वो आपका माइक्रोवेव होता है और रेडियो वेव होता है। इसमें जो अगर मैं सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में शो करूं तो विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव ये जो है वो नॉन म्यूटाजेनिक कंडीशन शो करते हैं, मतलब ये म्यूटाजन की तरह बिहेव नहीं करते। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये नॉन म्यूटाजेनिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो काफी कम होती है, क्योंकि इनके पास जो है वो वेवलेंथ काफी ज्यादा होता है। जब आप कॉस्मिक रे, एक्सरे, यूवी रेज की बात करते हैं तो इसमें एक गामा रे भी आता है। ठीक है, गामा रे भी आप शो कर सकते, कॉस्मिक से पहले जो है वो ये शो कर सकते, कॉस्मिक सबसे फिर गामा रे ऐसा था, तो ये जो है वो आप गामा को शो करते। तो इन सभी रेज जो है कॉस्मिक से लेके यूवी रेज तक ये कभी ये कैसे होते हैं, ये म्यूटाजेनिक होते हैं। और म्यूटाजेनिक है तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि किस तरीके के म्यूटाजेनिक यू आता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या था कि यहाँ पे सी का मतलब है कॉस्मिक, गामा, एक्स रे और यूवी रेज, ये है। अब मैं इनको अगर क्लासिफाई करूं, इन रेज को जो म्यूटाजेनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनको अगर मैं क्लासिफाई करूं तो दे आर गोइंग टू बी क्लासिफाइड इनटू द टू फॉर्म्स, नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग। देखो तो दो फॉर्म में जो है ये जा सकते हैं। अब दो फॉर्म में नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग के तौर पर अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपके पास मैं क्योंकि जो यूवी रेज होते हैं और जो आपके बाकी के रेज होते हैं इनमें अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो कुछ ऐसे रेज आप एक्सप्लेन करते हो जो कि नॉन आयोनाइजिंग का मतलब क्या है, नॉन आयोनाइजिंग का मतलब है कि जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो जो है वो आयोनाइज कर सके, किसी भी सब्सट्रेट को आयन के फॉर्म में बना सके। तो कुछ ऐसे जो फॉर्म आप एक्सप्लेन करते हो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब यह है कि आप जो है ऐसे वेव को शो कर रहे हो। देखो मैं इसी चार की म्यूटाजेनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहा हूं, तो उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रे होता है उसके पास एनर्जी तो है लेकिन इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आयोनाइज कर सके, आयन का फॉर्मेशन कर सके। और उसमें अगर मैं एक्सरे और गामा रे और अगर आप देखें तो कॉस्मिक रे की बात करूं तो उनके पास इतनी पावर और इतनी एनर्जी है क्योंकि उनका वेवलेंथ और कम होता है तो उनके पास एनर्जी इतनी ज्यादा होती है तो वो क्या कर सकते हैं, सैंपल में आयन का फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं, वो जो डीएनए है उसमें आयन का फॉर्मेशन जो है कर सकते हैं। तो जब अगर मैं एनर्जी को जो है वो हाई एनर्जी के तौर पे शो कर सकता हूँ तो जिनकी एनर्जी जो है वो हायर एनर्जी है और यूवी की एनर्जी जो है वो हाई एनर्जी है, मतलब मीडियम नहीं है, और विजिबल की मीडियम होती है और इंफ्रारेड माइक्रोवेव की जो है वो लो एनर्जी के कंडीशन में आती है। तो यूवी रे के पास एनर्जी ज्यादा तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि आयोनाइज कर सके, तो इसलिए मैंने म्यूटाजेनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग का जो एग्जांपल है वो अल्ट्रावायलेट रेज है, और जो आपके आयोनाइजिंग रेडिएशन के एग्जांपल्स को मैंने एक्सरे और गामा रे के तौर पे जो एक्सप्लेन किया। अब अल्ट्रावायलेट रे के जो है वो तीन कैटेगरी को आप शो करते हो,
क्योंकि जो अल्ट्रावॉयलेट रेज होते हैं वो विजिबल के नियर भी होते हैं और विजिबल से दूर भी होते हैं, मतलब देयर इज अ थ्री रेंज ऑफ द अल्ट्रावॉयलेट रेज। आप जब मेंशन करते हो दैट अल्ट्रावॉयलेट ए, अल्ट्रावॉयलेट बी और अल्ट्रावॉयलेट सी, अब ये जो है विजिबल के बेसिस पे होता है। विजिबल, अब देखो ये सारा केस जो है वो आपके जो है वेवलेंथ का गेम है, क्योंकि अगर आप विजिबल रेंज को जो मेंशन करते हो तो वो 400 नैनोमीटर से शुरू होके कहां तक होता है, लगभग लगभग 780 नैनोमीटर तक। तो ये रेंज जो होता है वो विजिबल का रेंज होता है। अब विजिबल के जो एक करीब रेंज होगा वो लगभग 320 से लेके ये 400, ये रेंज अल्ट्रावॉयलेट तो है लेकिन ये नियर अल्ट्रावॉयलेट है, मतलब विजिबल के करीब वाला अल्ट्रावॉयलेट है। 320 से लेके लगभग 280 तक भी एक अल्ट्रावॉयलेट का रेंज आता है, और ये अल्ट्रावॉयलेट रेंज 200 करते हैं, और 280 से कम भी मतलब लगभग 100 तक जो है वो अल्ट्रावॉयलेट सी आप शो करते हो। तो आप तीन अल्ट्रावॉयलेट रीजन को एक्सप्लेन करते हो, अल्ट्रावॉयलेट ए, अल्ट्रावॉयलेट बी और अल्ट्रावॉयलेट सी। जो नियर है वो आप अल्ट्रावॉयलेट ए को शो करते हो, और जो फार है वो अल्ट्रावॉयलेट सी को शो करते हो। अब इनमें से भी अगर आप देखोगे तो जो अल्ट्रावॉयलेट सी होता है, हमारे जो है अल्ट्रावॉयलेट सी का आपको पता है ना कि ओजोन लेयर पाया जाता है इन द केस ऑफ अर्थ इन्वायरमेंट, ऊपर एक 18 किलोमीटर ऊपर जो है ओजोन लेयर। तो अल्ट्रावॉयलेट सी का जो अब्सॉर्प्शन होता है वो ओजोन लेयर की वजह से हो जाता है, तो ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावॉयलेट सी को एब्जॉर्ब कर लेता। तो अगर अल्ट्रावॉयलेट सी हमें दिख अगर हमें मिलने लग जाए ना, तो बेटा हमारी किडनी या टूटने लग जाएंगी, क्योंकि ये बहुत कम वेवलेंथ का है, और कम वेवलेंथ का मतलब इसमें एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो म्यूटाजेनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। तो अल्ट्रावॉयलेट सी जो है वो हमें अभी मिल ही नहीं रहा, इसीलिए तो ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है वो हमें दिक्कत करता है। जहां जहां पे ओजोन लेयर का डिप्लीशन होगा ये अल्ट्रावॉयलेट सी से हम एक्सपोज होते हैं। अल्ट्रावॉयलेट रे तो अभी भी आ रही है, जो नियर अल्ट्रावॉयलेट है ये हमें अभी भी विजिबल के साथ मिलता है, तो नियर अल्ट्रावॉयलेट प्लस जो विजिबल है ये तो अभी भी आ रहा है सनलाइट में, ये अभी भी हमें मिल रहा है। लेकिन जो अल्ट्रावॉयलेट सी है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता था ओजोन लेयर से, लेकिन अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगा तो अल्ट्रावॉयलेट सी से हम एक्सपोज होंगे, और एक्सपोज होंगे तो कहीं ना कहीं जो है म्यूटाजेनिक पोटेंशियल अल्ट्रावायलेट सी की ज्यादा है, तो हम म्यूटेशन से ज्यादा प्रोन हो जाएंगे, हमें हमारे डीएनए में म्यूटेशन होगा और फिर उससे डिजीज भी अपियर होंगे, क्योंकि म्यूटेशन का जो अल्टीमेट फॉर्म या मोस्टली जो मैंने फॉर्म आपको शो किया था वो था हार्मफुल, मतलब ज्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल होंगे, तो कई सारे डिजीजेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि मैं अगर अल्ट्रावायलेट ए और बी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो दोनों में जो आप वेवलेंथ शो कर रहे हो वो थोड़े से कम वेवलेंथ को शो, मतलब हाई वेवलेंथ को शो कर रहे हो, और जब हाई वेवलेंथ को शो कर रहे हो तो इनमें एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, तो इनका जो म्यूटाजेनिक पोटेंशियल जो है थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि म्यूटाजेनिक पोटेंशियल जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये मैं म्यूटाजेनिक पोटेंशियल को जो है मेंशन कर रहा हूं। अब जरा ध्यान देने की कोशिश करिएगा, तो मैं म्यूटाजेनिक पोटेंशियल को एनर्जी से या रिलेट कर दिया है। अब इसी को लेके आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। सबसे पहले जो है मैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस की जो है वो बात कर रहा हूँ। अगर मैं आयोनाइजिंग रेडिएशन को मेंशन कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इसके पास एनर्जी हाई आप शो करोगे या एनर्जी कम शो करोगे, तो आप एनर्जी जो है वो हाई शो करो, और एनर्जी हाई है तो म्यूटाजेनिक पोटेंशियल कैसा शो करोगे, हाई या लेस? तो मैं ये मैसेज शो करूंगा कि इसका जो म्यूटाजेनिक पोटेंशियल है वो हाई होगा। अब जब इसका म्यूटाजेनिक पोटेंशियल जो है वो हाई हो रहा है, तो ये दो तरीके के इफेक्ट जो है वो डीएनए पे शो करता है। मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ कि अगर जो है वो गामा रे है मैं, और गामा रे के जो इफेक्ट के तौर पे डायरेक्ट इफेक्ट को शो कर रहा हूँ और इनडायरेक्ट इफेक्ट को शो कर रहा हूँ। डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब ये है कि इसके पास अगर इतनी एनर्जी हो और ये डायरेक्टली जो है वो क्या कर दे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ दे, इसके पास इतनी एनर्जी हो कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आप शो करते हो उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जो है वो ब्रेक कर दे, और जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो वहां पे एक निक जो है वो क्रिएट हो, और ये निक जो है एक डैमेज की तरह जो है माना जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो फिनोमेना आप शो कर रहे हो ये फिनोमेना डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द गामा रे, जिसमें कि वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली जो है क्रोमोजोम को ब्रेक कर दे रहा। ऐसे केसेस में आप गामा रे को क्या म्यूटाजन शो करोगे कि नहीं शो करोगे? म्यूटाजन है, और म्यूटाजन के साथ साथ इसको क्या क्लास्टोजन भी मेंशन करोगे कि नहीं करोगे, उसको भी मेंशन करोगे। यहाँ पे जो है गामा रे क्लास्टोजेनिक एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब वो जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक निक क्रिएट कर रहा है, एक ब्रेक क्रिएट कर रहा है, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है। मतलब ज्यादातर जो है गामा रे का इफेक्ट आप जो है वो मोस्टली
डायरेक्ट इफेक्ट ही शो करते हो, मतलब वो ब्रेक ही करता है। इसलिए गामा रे को मोस्टली क्या कंसिडर किया जाता है, क्लास्टोजेनिक एजेंट कंसिडर किया जाता है। क्लास्टो म्यूटाजन तो है ही है, लेकिन उसमें भी ये क्लास्टोजेनिक, क्योंकि ये क्या इंड्यूस कर रहा है, ब्रेक इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब कुछ रेज, कुछ कंडीशंस में गामा रेज जो है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट भी शो करते हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या करते हैं कि ये जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल पे जाएगी, और वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी पे जब जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है। क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगा, और स्प्लिट करके वाटर मॉलिक्यूल को एक हाइड्रोक्साइड रेडिकल जो है वो बनाता है। हाइड्रोक्साइड रेडिकल जो है वो एक रॉस है, और क्या मैं आपको रॉस का मैकेनिज्म नहीं शो कर चुका हूं कि ये जो है हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, हाइड्रोक्साइड रेडिकल जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, और हाइड्रोक्सिलेशन किसका करेगा, हाइड्रोक्सिलेशन जो है वो किसका करेगा, सुगर का, फॉस्फेट का, या नाइट्रोजनस बेसिस का, नाइट्रोजनस बेसिस का। और जब ये हाइड्रोक्सिलेशन कर रहा है तो जिसकी वजह से म्यूटेशन होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है, नाइट्रोजनस बेसिस अगर मॉडिफाई हो रहे हैं तो पेयरिंग पोटेंशियल मॉडिफाई होगा, पेयरिंग पार्टनर मॉडिफाई होगा, तो म्यूटेशन तो हो गई होगा। तो यहाँ पे जो डैमेज आप शो कर रहे हो वो कौन सा डैमेज शो कर रहे हो, ऑक्सीडेटिव डैमेज शो कर रहे हो। तो जब गामा रे को आप एक्सप्लेन करते हो, जब गामा रे का इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आप शो कर रहे हो वो ऑक्सीडेटिव डैमेज शो कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे गामा रे जो है किस तरह बिहेव कर रहा है, वो म्यूटाजेनिक की तरह बिहेव कर रहा है, म्यूटाजन की तरह, या क्लास्टोजन की तरह, वो सिर्फ म्यूटाजन की तरह बिहेव कर रहा है, क्लास्टोजन। तो मैं गामा रे को सिर्फ क्लास्टोजन शो करूंगा, या गामा रे जो है एक टाइम पे म्यूटाजन भी शो कर सकते हैं अगर वो इनडायरेक्ट इफेक्ट शो कर रहा है, और एक टाइम पे आप गामा रे को क्लास्टोजन भी शो कर सकते हैं। तो गामा रे जो है वो क्लास्टोजेनिक एजेंट भी है, और गामा रे जो है वो म्यूटाजेनिक एजेंट भी है। और अगर मैं दोनों फॉर्म में ज्यादा पूछूं तो आप जो है ये दिमाग में रहे कि जो ज्यादा फॉर्म आप शो करते हो वो है आपका स्टैंड ब्रेक, मतलब जो गामा रेज है वो ज्यादातर कौन से नेचर में, या कौन से जो है इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट के लिए, मतलब वो डायरेक्टली जो है स्टैंड को ब्रेक करते हैं। इनके पास इतनी एनर्जी हाई होती है, इनका पोटेंशियल इतना हाई होता है कि डायरेक्ट जो है ये तोड़ सकते हैं। तो ये मैंने आयोनाइजिंग रेडिएशन के जो है एग्जाम्पल को शो किया, और उसमें मैंने गामा रे को मेंशन किया। अच्छा, मैं गामा रे को जब मेंशन कर रहा हूँ तो क्या मैं अब एक्सरे की बात करूंगा तो कुछ अलग हो जाएगा, या लगभग यही मैकेनिज्म आप शो करोगे, आप एक्सरे के केस में भी यही शो करोगे, एक्सरे के कंडीशंस में भी जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, एक्सरे का बहुत यूज आप शो करते हो इन द केस ऑफ डायग्नोस्टिक रीजंस, डायग्नोस्टिक मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में एक्सरे, एमआर जो है आप एमआरआई को शो करते हो। एमआरआई तो चलो वो मैग्नेटिक पे होता है, सीटी उस जिसे बोलते हैं सीटी स्कैन, तो सीटी स्कैन एक्सरे का ही बड़ा वर्जन होता है। तो अगर आप देखोगे तो एक्सरे से जब अगर आप बार बार आपकी बॉडी एक्सपोज होगी तो आप खुद बताओ कि अगर आप प्रोन टू द म्यूटेशन हो रहे हो कि नहीं हो रहे, हो रहे हो, और म्यूटेशन हो के कार्सिनोजेनिक भी बन सकता है। अब हो सकता है कि ये स्टैंड ब्रेक जो है वो कैंसर डेवलप करते हैं, और अगर ये स्टैंड ब्रेक की वजह से कोई कैंसर डेवलप हो रहा है तो वही म्यूटेशन जो क्लास्टोजन था वही कैसा हो जाएगा, कार्सिनोजन भी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे ना कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग होते हैं उनमें कैंसर का जो अकरेंस है वो काफी फ्रिक्वेंट होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि उनमें जो कोई भी दिक्कतें होती तो फटाफट वो सीटी स्कैन एक्सरे ऐसे टेस्ट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है डायग्नोस्टिक तुरंत उनका सारा टेस्ट करेगा कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि हम गरीब है, हम तो दवा लेके, बुखार होता है कुछ भी बुखार है पैरासीटामोल लेके चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन डायग्नोस्टिक्स जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके लिए तो इतने जो है लोग डॉक्टर बैठे हुए कि भैया ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, और आजकल के डॉक्टर तो ऐसे ही है कि बिना टेस्ट के वो एक दवाई नहीं लिख सकते। ठीक है, पहले के जो है हकीम या पहले के जो आयुर्वेदा के डॉक्टर्स अलग ही थे कि वो नब्ज पकड़ के बता देते थे कि आपको कौन सी बीमारी है, और आजकल के डॉक्टर जितना एडवांस होने के बाद एकदम लुल हो चुके हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं कि आपके सिम्टम्स के थ्रू कौन सा बीमारी हो सकता है। पहले वो टेस्ट करेगा फिर आपको बताएगा कि ये बीमारी है फिर ये दवा खाओ। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है टेस्ट करने में, इसीलिए बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि जब तक जरूरी ना हो, देखो एक्सरे जो है वो एक आध बार एक्सपोज हो रहे हो तो चलेगा, सीटी स्कैन 1000 टाइम्स पावरफुल होता है, मतलब उसमें एक्सरे का 1000 गुना पावरफुल एक्सरे का एनर्जी यूज क्यों हो रहा है, तो सीटी स्कैन से और भी बची, जब तक जरूरी ना हो ना कराइए, आपकी बॉडी ऐसे हार्मफुल म्यूटेशन से बची रहेगी। इसके साथ ही जब आप ट्रैवल करते हो, जब आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें जो स्कैनर लगा होता है उसमें भी एक्सरे ही होता है, जो आप सामान डालते हो ना स्कैनर में चेक करने के लिए कि इसमें कुछ और नहीं, उसमें भी एक्सरे होता है। इसलिए कभी भी उस स्कैनर में आप अगर खाने पीने की सामान जो है वो ना डालें, क्योंकि वो एक्सरे जो है उन फूड प्रोडक्ट्स में भी जो है रॉस स्पीसीज डेवलप कर सकता है कि नहीं।
तो ये जो म्यूटाजेंस है, ये जो रॉस स्पीसीज है, दे कैन बी डेवलप्ड इन द फूड प्रोडक्ट्स। सो वो फूड प्रोडक्ट्स जब आप इंटेक करोगे तो आप रॉस स्पीसीज को इंटेक कर रहे, मतलब आप जो है वो खुद के जो है बुलावा कर। इसलिए पानी का बॉटल्स, खाने के चिप्स या कोई भी बैग, आप जब भी ऐसा हो तो उन्हें आप साइड पॉकेट में रखें या साइड में रखें, उन्हें आप एक्सरे से पास ना करें, आप उन्हें दिखा ले और साइड में लेके जाए। और मैं अक्सर ऐसा करता हूँ, कई बार जो है मेरा सिक्योरिटी गार्ड से जो है लड़ाई भी हो जाती है, लड़ाई के मतलब बहस की आप क्यों जो है उसमें पास नहीं कर रहे, तो मैं उन्हें दिखाता हूँ कि मेरे हाथ में या मेरे इस बैग में सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये खाने की पीने की चीजें, और उसमें मेरा लैपटॉप बहुत ज्यादा से ज्यादा रहता है। तो मैं उनको मैनुअली चेक कराता हूँ और फिर जाता हूँ, मैं कहा आप चेक कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उससे पास नहीं करूंगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयर है अपने हेल्थ को लेकर। नाउ ये तो रही ज्ञान की बात है, कम बैक टू द सेकेंड पॉइंट। आयोनाइजिंग रेडिएशन के बाद अगर मैं सेकेंड रेडिएशन को जो है वो एक्सप्लेन करूं तो उसमें आ जाता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के एग्जाम्पल के तौर पे मैं यूवी रेडिएशन को शो कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो कम होगा, और कम होगा तो इसका म्यूटाजेनिक पोटेंशियल भी एक्सरे और गामा रे की तुलना में कम होगा। अगर मैं एक्सरे और गामा रे की तुलना में कम शो कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि म्यूटेशन नहीं करेगा, करेगा लेकिन ब्रेक नहीं कर सकता। मतलब ये जो है अब दो तरीके से जो है म्यूटेशन को जो है ऑपरेट कर सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो ब्रेक होगा, थोड़ी सी और कम एनर्जी होगी तो फ्री रेडिकल बनेंगे, और थोड़ी सी और कम एनर्जी होगी तो फोटो प्रोडक्ट्स बनेंगे। याद रहे कि एनर्जी के तीन लेवल पे जो है वो आपकी चीजें आप शो करते हो म्यूटेशन का। एनर्जी अगर वेरी हाई है, अगर एनर्जी वेरी हाई है तो इसका जो इफेक्ट होता है डीएनए पे वो ब्रेक होता है, और एनर्जी अगर हाई है ठीक है तो इससे जो है आपके बनते हैं फ्री रेडिकल्स, रॉस स्पीसीज। और एनर्जी जो है हाई से कह सकते हैं लेस हाई है, मतलब है हाई, मैं इसलिए हाई अभी भी मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो है वो म्यूटेजन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मैं जो है नॉन म्यूटेजन को नहीं कंसिडर कर रहा। अब लेस हाई है तो इस कंडीशन में जो आप शो करोगे वो करोगे कि फोटो प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो आप अगर शो करते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे, थोड़ा सा ब्यूटीफुली ऑब्जर्व करोगे, तो तीन अलग अलग रेडिएशन के अलग अलग केसेस। गामा रेडिएशन जो है, गामा या कॉस्मिक रेज की एनर्जी सबसे हाई होती है, इसीलिए जो है वो ब्रेक करते हैं डीएनए को, क्लास्टोजेनिक होते हैं। जो आपके एक्सरेज होते हैं उसकी एनर्जी इनसे गामा से तो कम होती है, और जिसकी वजह से एक्सरेज जो होते हैं एनर्जी हाई की कैटेगरी में आप शो करते हैं, और उसमें जो है फ्री रेडिकल्स मोस्टली बनते हैं। ऐसा नहीं कि वो ब्रेक नहीं कर सकते, वो ब्रेक भी कर सकता है, मैं यहाँ मोस्टली की बात कर रहा हूँ कि मोस्टली कॉमन फिनोमेना किसके लिए कौन सा है, बाकी काम भी कर सकते। और एक्सरे दोनों कर सकता है, ब्रेक और फ्री रेडिकल दोनों, लेकिन फ्री रेडिकल उसका मोस्टली बनेगा। और सिमिलरली यूवी रे की बात करें तो यूवी रे की एनर्जी लेस हाई है, मतलब वो फ्री रेडिकल भी बना सकता है, लेकिन उसका जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है वो फोटो प्रोडक्ट का। तो ये आप इंफॉर्मेशन माइंड में रखे रहिएगा कि एनर्जी के बेसिस पे जो है वो तीन मैकेनिज्म को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब मैं यूवी रेडिएशन को जब यहाँ शो कर रहा हूँ तो ये क्रोमोजोम को ब्रेक तो नहीं कर सकता, ये डीएनए को ब्रेक तो नहीं कर सकता, ये या तो फ्री रेडिकल बना सकता है, या तो क्या कर सकता है, या तो फोटो प्रोडक्ट बनाएगा। तो या तो फ्री रेडिकल बनाए और या तो फोटो प्रोडक्ट बनाए। अब अगर ये फ्री रेडिकल बना रहा है तो फ्री रेडिकल से यहाँ पे तीन चार फिनोमिना को जो है वो शो कर सकते हो, या तो क्या कॉज करेगा, स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन कॉज करेगा, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि डीएमिनेशन हो सकता है कि डी प्यूरिनेशन या डी पिरिमिडिनेशन हो, जो मैंने स्पॉन्टेनियस शो किया, या तो क्या हो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो। ये तीनों जो फिनोमिना हो रहा है वो एक स्पॉन्टेनियस मैकेनिज्म मैंने शो किया था, लेकिन वहां पे ये जो फिनोमिना हो रहे थे वो अपने आप हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये फिनोमिना जो है एक फ्री रेडिकल के थ्रू हो रहा है, और वो फ्री रेडिकल जनरेट कौन कर रहा है, यूवी रेडिएशन शो कर रहा है। तो मैं यूवी रेडिएशन एज अ म्यूटाजन के तौर पे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यूवी रेडिएशन जो है मैं म्यूटाजेनिक कंडीशन के तौर पे शो कर रहा हूँ। और मैं जब इस तरीके के प्रोसेस को शो कर रहा हूँ तो इसमें जो फ्री रेडिकल बनता है वो ज्यादातर कौन बनाएगा, अल्ट्रावायलेट सी रीजन मोस्टली कौन बनाता है, अल्ट्रावायलेट सी रीजन, क्योंकि अल्ट्रावायलेट सी रीजन की एनर्जी थोड़ी सी हाइयर होती है एज कंपेयर टू द अल्ट्रावायलेट बी और ए। तो अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी की तुलना की बात की जाए तो अल्ट्रावायलेट सी रीजन का जो है वो एनर्जी ज्यादा होता है, इसी वजह से वहां पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। लेकिन अभी तक ये प्रोसेस थोड़ा रेयर है क्योंकि हम अल्ट्रावायलेट सी से ज्यादा एक्सपोज होते नहीं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है और जिस तरीके से हम एक्सपोज हो रहे हैं, धूप की गर्मी बढ़ रही, वो गर्मी नहीं है अल्ट्रावायलेट बढ़ रहा है, उसमें एनर्जी ज्यादा है। अल्ट्रावायलेट रेज जब ज्यादा बढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है एनर्जी ज्यादा ज्यादा है, तो हमें ज्यादा टेम्परेचर भी राइज होगा, तो ये सीधी सी लॉजिक है कि टेम्परेचर राइज हो ही रहा है। चलो अब बात कर लेते हैं कि अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी और इनकी एनर्जी थोड़ी कम है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉस्ट की जगह फोटो प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बनते हैं।
अब मैं फोटो प्रोडक्ट की बात करूं तो फोटो प्रोडक्ट में डाइमर का फॉर्मेशन भी हो सकता है और साइटोसिन का जो है वो फोटो प्रोडक्ट भी बन सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग से पॉइंट होता है कि अल्ट्रावोलेट के रेडिएशन में लोग ये मेंशन करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावोलेट रेडिएशन थाइमिन का डाइमर बनाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अल्ट्रावोलेट के अलग अलग रेंजेस है और उनकी इन रेंजेस के बेसिस पे अलग अलग फिनोमेना हो सकता है। अगर अल्ट्रावोलेट सी का वेवलेंथ हो रहा होगा वहां पे, अल्ट्रावोलेट सी हो रहा होगा तो उसकी वजह से आपके फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं और वहां पे डीएमिनेशन भी हो सकता है, डीप्यूरिनेशन डीप्रीमिनेशन भी हो सकता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज भी हो सकता है। और साथ ही में अगर अल्ट्रावोलेट ए के साथ एक्सपोज हो रहा है और अल्ट्रावोलेट बी के साथ एक्सपोज हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको डाइमर का फॉर्मेशन भी आप शो कर सकते हो और जो है साथ में साइटोसिन के जो है वो बाई प्रोडक्ट या साइटोसिन का फोटो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब डाइमर का फॉर्मेशन जो है लोग बोलते हैं हमेशा जो है थाइमिन का बनता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। डायमंड का फॉर्मेशन प्यूरिन और प्यूरिन के बीच में भी हो सकता है और पिरिमिडिन और पिरिमिडिन के बीच में हो सकता है, लेकिन प्यूरिन और प्यूरिन की तुलना में पिरिमिडिन और पिरिमिडिन का डाइमर जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। इसलिए आप मोस्ट कॉमन फॉर्म को जो है जनरलाइज करके ऑलवेज का कंडीशन बना देते हो। और मैं आपको हमेशा ये मेंशन करता हूँ कि कभी भी साइंस में ऑलवेज मस्ट मेंशन करो। अगर कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन को शो किया जा रहा है तो इसका सीधा से ये मतलब है कि उस जगह पे वो इंफॉर्मेशन सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है। दैट्स द सिंपल लॉजिक। ये नहीं कि वही सिर्फ होता है। ऐसे केसेस बायोलॉजिकल सिस्टम में या बायोलॉजी में बहुत रेयर कंडीशन पे पाया जाता है कि सिर्फ यही फिनोमेना होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो है डाइमर के केसेस में प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों शो कर सकता हूँ और पिरिमिडिन में जो है वो मोस्टली हम शो करें। अब पिरिमिडिन के भी दो तरीके के डाइमर्स को आप एक्सप्लेन कर दो। एक डाइमर आप साइक्लोब्यूटेन डाइमर शो करते हो और एक डाइमर जो है वो आप C4 पिरिमिडोन डाइमर को तौर पर शो करते हो। अब दोनों पिरिमिडिन डाइमर मोस्टली देखो पिरिमिडिन डाइमर है तो वो साइटोसिन साइटोसिन में भी हो सकते हैं और थाइमिन में भी हो सकते हैं, लेकिन और थाइमिन में जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन। तो यूवी प्रोडक्ट का जो एक बेसिक आप जो है वो शो करते हो तो ये शो करते हो कि भैया यूवी जो है वो सिर्फ थाइमिन और थाइमिन डाइमर ही बनाएगा। लेकिन ये एक एक छोटा सा एग्जाम्पल है यूवी रेडिएशन के इफेक्ट का। यूवी रेडिएशन जो है वो आपको डीएमिनेशन भी कॉज कर सकता है, डीप्यूरिनेशन पिरिमिडेशन ऑक्सीडेटिव डैमेज भी कॉज कर सकता है। यूवी रेडिएशन जो है वो फोटो प्रोडक्ट में साइटोसिन का फोटो प्रोडक्ट भी बना सकता है, डाइमर भी बना सकता है, डाइमर में वो प्यूरिन का भी बना सकता है, पिरिमिडिन का भी बना सकता है, और प्यूरिन पिरिमिडिन में भी जो है वो आपके थाइमिन और जो है साइटोसिन हो सकता है, लेकिन उसमें भी सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है थाइमिन थाइमिन डाइमर होता है। इसलिए आप सिर्फ ये लिटरेचर में पाते हो कि यूवी रेडिएशन जो है वो थाइमिन और थाइमिन का डाइमर बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूवी रेडिएशन थाइमिन और थाइमिन के डाइमर को ही बना रहा है, इसके अलावा भी उसके कई सारे इफेक्ट को मैंने यहाँ पे शो किया। चलो अब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन पे थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अच्छा, ये जो फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म से डीएमिनेशन का प्रोसेस मैंने आपको शो कर दिया था कि अगर एडिनिन का जो है डीएमिनेशन आप शो करोगे तो हाइपोजैंथिन बनेगा, गुआनिन का डीएमिनेशन करोगे तो जैंथिन शो करोगे, साइटोसिन का डीएमिनेशन करोगे तो यूरासिल शो करोगे, और 5-मिथाइल जो है साइटोसिन को शो करोगे तो थाइमिन। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैं दोबारा शो करूं या आपके माइंड में इंफॉर्मेशन क्लियर है कि ऑक्सीडेटिव डैमेज डीप्यूरिनेशन डीप्रिमिनेशन या डीएमिनेशन कैसे हो? ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके जो दिमाग में होना चाहिए कि भाई मैं जो भले ही यहाँ पे मैंने सारे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस मैनर में बताए थे, मैकेनिज्म बदलेगा नहीं, मैकेनिज्म वही का वही रहेगा। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पे जब मैंने पहले एक्सप्लेन किया था तो वो स्पॉन्टेनियस मैनर में हो रहा था, अपने आप हो रहा था, और यहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा है वो एक म्यूटाजन की मदद से हो रहा है, और उस म्यूटाजन का नाम क्या है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे म्यूटाजेनिक कंडीशंस में फोटो प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट और मोस्टली यही फिनोमिना आप शो करते हो। तो फोटो प्रोडक्ट में भी कई अलग अलग तरीके के फोटो प्रोडक्ट्स होते हैं, और फोटो प्रोडक्ट्स ज्यादातर जब बनते हैं तो ये कौन सा म्यूटेशन कॉज करते हैं? पॉइंट म्यूटेशन कॉज करते हैं। अब अगर मैं पॉइंट म्यूटेशन को शो कर रहा हूँ तो क्या पॉइंट म्यूटेशन में मैं फ्रेम शिफ्ट को शो करूंगा या इंसर्शन और डिलीशन को शो करूंगा? मैं यहाँ पे ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन को शो करूंगा। पॉइंट म्यूटेशन में फ्रेम शिफ्ट कहाँ से आ गया? कोई बोल रहा है कि फ्रेम शिफ्ट को शो करूंगा, अरे ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन को शो करूंगा। अब ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन में या तो आप ATGC के ट्रांजिशन को शो करोगे, ठीक है, या ATCG के ट्रांजिशन को शो करोगे। ये भी मैं बता चुका हूँ कि आपका ट्रांजिशन है तो वो ATGC ट्रांजिशन हो सकता है या तो आपका GC AT ट्रांजिशन हो सकता है। ये ट्रांजिशन भी आप अलग अलग शो कर सकते हैं। अब मैं इसमें जो है साइटोसिन के फोटो प्रोडक्ट को शो कर, ये देखो साइटोसिन का स्ट्रक्चर, साइटोसिन के फिफ्थ और सिक्स्थ जो आप जो है कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड को शो कर। डबल बॉन्ड है इसका मतलब इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आप देखते हो तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से
यहाँ पे जो है H2O जो है बेसिक तौर पे क्या होता है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होता है तो एक हाइड्रोजन सिक्स के पास चला जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो आपके फिफ्थ के पास चला जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे फिर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से वाटर की स्प्लिटिंग होती है, और वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है कि हाइड्रोक्साइड जो है वो रेडिकल जैसा काम कर रहा है, फ्री रेडिकल जैसा काम कर रहा है, और ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है इसकी वजह से देखो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप पांचवे पे जा रहा है, बाकी जगह पे हाइड्रोजन आ जा रहा है। तो क्या हम इस प्रोसेस को ये बोल सकते हैं कि ये क्या बना, साइटोसिन हाइड्रेट बना। इस प्रोसेस में किस चीज का इन्वॉल्वेशन शो कर रहे थे आप, H2O का, तो साइटोसिन H2O से जुड़ रहा है, साइटोसिन का हाइड्रेशन हो रहा है, साइटोसिन हाइड्रेट हो रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा आप उसे क्या मेंशन करोगे, साइटोसिन हाइड्रेट मेंशन करोगे, ये सुनो। तो आप जो है इसको आपने साइटोसिन हाइड्रेट शो कर दिया। अब आप बताओ कि जो साइटोसिन है जब वो नॉर्मल फॉर्म में था तो उसका जो बाइंडिंग पार्टनर आप शो करोगे वो कौन बाइंडिंग पार्टनर शो करोगे, जो है गुआनिन शो करो, नॉर्मल जो है वॉटसन क्रिक पेयरिंग शो करो। लेकिन क्या जब इस साइटोसिन में नॉर्मल फॉर्म था तो उसकी पेयरिंग भी नॉर्मल होगी, लेकिन साइटोसिन जब हाइड्रेट के फॉर्म में आ जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका जो बाइंडिंग पोटेंशियल होगा वो अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, अफेक्ट होगा। तो इस दौरान जो है साइटोसिन का जो बाइंडिंग पार्टनर होगा वो गुआनिन की जगह क्या हो जाएगा, वो एडेनिन हो जाएगा। तो ये केसेस जो है वो म्यूटेशन क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो जो पहले जो है साइटोसिन था गुआनिन से पेयर कर रहा था, अब वही साइटोसिन एडेनिन के साथ पेयर कर रहा है, तो जी की जगह क्या रिप्लेस हो जा रहा है, जी की जगह रिप्लेस हो रहा है ए, ठीक है। तो आप इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, ATGC ट्रांजिशन या GCAT ट्रांजिशन, आप इसको क्या मेंशन करोगे, GCAT ट्रांजिशन शो करोगे, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशन में जो है कई जगहों पे लोग कंफ्यूज होता कि मैं कौन से ट्रांजिशन को मान के चलूं सर, क्या है वो, देखो लॉजिक सिंपल सी है कि आपका वाइल्ड टाइप क्या है और म्यूटेंट क्या है। देखो अब मैं इसको चाहे प्यूरीन, देखो ट्रांजिशन की जब बात करते हैं तो या तो प्यूरीन प्यूरीन में जा रहा होगा या तो पिरिमिडिन पिरिमिडिन में जा रहा होगा, बेसिक सा मुद्दा यही है। आपको बस यहाँ पे ये देखना है कि जो बाइंडिंग पार्टनर है वो कैसे एक्सचेंज हो रहा है, और वही आपको बताता है। जब ये देखिए कि बाइंडिंग पार्टनर पहले जी था और वो भी एक प्यूरीन है, और उसके बाद अब जो बाइंडिंग पार्टनर उसकी जगह पे बदला वो कौन है, वो भी प्यूरीन है। तो प्यूरीन और प्यूरीन है तो मैं ये तो बात तय है कि ये ट्रांजिशन है। अब ट्रांजिशन किसका है, जी का ए है, तो जब जी ए में ट्रांजिशन कर रहा है तो बात ठीक है। अब जी का बाइंडिंग पार्टनर क्या शो करोगे, सी, और ए का बाइंडिंग पार्टनर क्या शो करोगे, टी, तो GCAT ट्रांजिशन हो जाएगा। समझ में आई बात, इस तरीके से आप पहले कौन सा फॉर्म था और उसके बाद बाइंडिंग पार्टनर कौन सा हो रहा है, यही आपके सारी चीजों को क्लियर कर देता है। ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मार हर मार जगह रट्टा मारना। और देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सी में मॉडिफिकेशन हो रहा है, अब सी में मॉडिफिकेशन हो रहा है तो इधर का बाइंडिंग पार्टनर कहीं ना कहीं जी ही होता है, अगर मैं सी में मॉडिफिकेशन हो रहा है या जी में मॉडिफिकेशन हो रहा होगा, तो इसकी वजह से जो अफेक्ट होगा वो ए और टी में जा रहा होगा, यही तो जाएगा ना। और अगर ए और टी में कोई मॉडिफिकेशन हो रहा होगा तो वो किस में जाएगा, जी और सी में जाएगा। तो पहले सी है कि जी है, वो ये बताएगा कि सी जी ट्रांजिशन हो रहा है, GC ट्रांजिशन हो रहा है कि ए टी ट्रांजिशन है। इतनी बात भी आप लॉजिक लगा सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो उस बेसिस पे जो है चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ, ठीक है। तो मैंने साइटोसिन के फोटो प्रोडक्ट की बात करी जहां पे मैंने अल्ट्रावायलेट सी के कंडीशन में या अल्ट्रावायलेट जो है वो उसके तरीके से ये बन सकता है। अच्छा यहाँ पे जो है मैं फोटो प्रोडक्ट के तौर पे शो कर रहा हूँ, और इस फोटो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है आप इसको फ्री रेडिकल के तौर पर भी एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि फ्री रेडिकल ही जो है इसको हाइड्रोक्सिलेशन कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप उस तरीके से नहीं भी समझ पा रहे हो तो आप यह ध्यान रखना कि अल्ट्रावायलेट की वजह से वाटर का जो है वो स्प्लिटिंग होकर उस तरीके से प्रोडक्ट बन, ठीक है। अब फोटो प्रोडक्ट में मैंने साइटोसिन के साथ साथ एक और फोटो प्रोडक्ट शो किया था, वो कौन सा शो किया था, दैट इज डाइमर का फॉर्मेशन। और डाइमर के फॉर्मेशन को जरा देखिए, तो डाइमर का फॉर्मेशन भी जो है वो बेसिक तौर पे क्या करता है, पॉइंट म्यूटेशन कॉज करता है, और पॉइंट म्यूटेशन है तो ट्रांजिशन होगा या ट्रांसवर्जन होगा, ठीक है। अब डाइमर का फॉर्मेशन जो है वो मैं दोनों कंडीशन में शो कर सकता हूँ, क्या मैं सिर्फ और सिर्फ डाइमर का फॉर्मेशन प्यूरिन में शो करूंगा या सिर्फ और सिर्फ पिरिमिडिन में शो करूंगा, दोनों में शो कर सकते हैं, प्यूरीन में भी डाइमर बन सकता है और पिरिमिडीन में भी बन सकता है। तो आप दोनों में ही जो है वो डाइमर के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्यूरीन के केसेस में ही डाइमर शो करो। अब यहाँ पे मैं जो सबसे मोस्ट कॉमन डाइमर का फॉर्मेशन मेंशन कर रहा हूँ वो है पिरिमिडीन के केस में जो शो करो, और मोस्टली जो है पिरिमिडीन के केस में भी थायमिन थायमिन। अब थायमिन और थायमिन के केसेस में दो डाइमर बनते हैं,
हमेशा एक डाइमर नहीं बनता, एक जो डाइमर बनता है वो साइक्लोम्यूटेन बनता है, और एक जो है वो आपका 6-4 पिरिमिडोन बनता है। अब 6 जो साइक्लोम्यूटेन आप कैसे शो करते हो, देखो मैंने एक सीक्वेंस में, अगर मेरे पास एक शुगर फॉस्फेट का बैकबोन, उस शुगर फॉस्फेट के बैकबोन में एक नाइट्रोजनस बेस के तौर पे आप थाइमिन शो करो, बगल में दूसरे नाइट्रोजनस बेस के तौर पे थाइमिन शो करो, तो इन दोनों थाइमिन के केसेस में जो है कैसे आपके पास जो है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो है वजह से। पहले तो देखो अगर मैं इस कंडीशन को शो कर रहा हूँ तो ये 5th नंबर का पोजिशन है थाइमिन का, और ये 6th नंबर, और ये भी 5th नंबर का है और 6th नंबर का है। वैसे तो अगर आपको ध्यान हो तो थाइमिन को जब मैं शो कर रहा हूँ तो 5th नंबर पे आप क्या एक्सप्लेन करते हो, मिथाइल ग्रुप को शो करते हो, ये शो करोगे ना मिथाइल ग्रुप को आप एक्सप्लेन करोगे। अब 6th पोजिशन पे कुछ एज इट इज होता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है कि जब आप शो कर रहे होते ये ग्रुप का स्ट्रक्चर, तो नॉर्मली 5th और 6th के जो कार्बन होते हैं ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाते नॉर्मली, क्योंकि स्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्हें कहो कि मैं तुम्हें एनर्जी दे रहा हूं, तो एनर्जी के चक्कर में इन्हें एक दूसरे से बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही एनर्जी आप इन्हें दोगे, 5th और 6th जो आप नाइट्रोजनस बेसिस के तौर पे शो करते हो, इनके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, इनके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड ऐसे होता है। तो जब ये डबल बॉन्ड होगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनर्जी दोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा, जब आप एनर्जी दोगे तो एनर्जी या यूवी रेडिएशन दोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अनस्टेबल होगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप को अनस्टेबल देखता हुआ पाएगा तो खुद को स्टेबल करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, करना चाहेगा। और ये करने के लिए क्या करता है कि ये अपने थाइमिन, अपने बगल वाले थाइमिन को देखता है, और एक थाइमिन देखता है कि भाई मेरे पास भी जो बेसिक तौर पे इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 5th और 6th वाला जो है अनस्टेबल, बगल वाला देखता है मेरे पास भी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दोनों कहते हैं कि एक काम करते हैं भाई दोस्त, मैं भी अनस्टेबल तुम भी अनस्टेबल, क्यों ना मिलके हम दोनों बॉन्ड बना लें और स्टेबल हो जाए। तो ये दोनों अगल बगल के थाइमर आपस में क्या करते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं, और जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो ये एक तरीके का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये 4 कार्बन का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, आपके पास जो है एक थाइमिन का कार्बन नंबर 5, फिर 5th कार्बन, फिर ये, तो इस स्ट्रक्चर को अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने जो है वो कार्बन आप शो कर रहे हो, 4 कार्बन आप शो कर, और 4 कार्बन को आप क्या मेंशन करते हो, प्रोपेन या ब्यूटेन, ब्यूटेन शो करते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अगर याद आ रहा हो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हो, 4 कार्बन है तो आप क्या मेंशन करोगे, ब्यूटेन शो करोगे, और ये ब्यूटेन साइक्लिक फॉर्म में है तो आप ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, दैट इज अ साइक्लो ब्यूटेन। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि साइक्लो ब्यूटेन प्यूरिमिडीन डाइमर का केस क्या बन रहा है। यहाँ पे जो है वो आपके पास 5th और 6th नंबर के कार्बन दो थाइमिन के जो है बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उनके पाई इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होते, और अनस्टेबल होने की वजह से जो है ये कहता है कि भाई जो है चलो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते, ये केस आप शो कर। इसके बाद आप एक जो है डायमिन का फॉर्मेशन जो है वो डाइमर का फॉर्मेशन शो करते हो, इसमें जो है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होगा, यहाँ पे एक डोन जैसा शेप बनता है। तो ये जो है आपके पास 6-4 में क्या होता है कि यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन में 5th और 6th जो है वो इन्वॉल्व हो रहे थे, अब यहाँ पे 6th वाला जो है वो देखो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये अगर आप 5th नंबर को शो कर रहे हो, ये 6th नंबर को, ये 5th नंबर है 6th नंबर है। जैसे आपने यूवी जो है यूवी रेडिएशन दिया है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, यहाँ पे 6th नंबर का जो कार्बन है वो 4th नंबर ऑफ थाइमिन से जो है अपीयर कर रहा है, और 6th नंबर का जो है कार्बन 4th नंबर ऑफ कार्बन ऑफ द थाइमिन से पेयर कर रहा है। तो एक का थाइमिन दूसरे के थाइमिन में जो कोवेलेंट बॉन्ड का इंट्रैक्शन आप शो कर रहे हो वो साइक्लो फॉर्म में नहीं शो कर रहे हो, वो एक कह सकते हैं डोन साइप जो है, डोन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप जो बोलते हैं पिरिमिडोन बोलते हो, क्योंकि ये पिरिमिडीन में बन रहा है तो इसलिए बोला जाता है पिरिमिडोन। और ये पिरिमिडोन जो होते हैं बेसिक तौर पे 6 और 4 कार्बन में इन्वॉल्व होकर बन रहे हैं, तो आप इसी पिरिमिडोन को बोलते हैं 6-4 पिरिमिडोन। ये कौन सा पिरिमिडोन है, 6-4 पिरिमिडोन है। तो दो तरीके के डाइमर को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, एक साइक्लोब्यूटेन डाइमर को शो कर रहे हो और एक 6-4 पिरिमिडोन डाइमर को जो है वो आप एक्सप्लेन कर रहे हो। अच्छा, इन दोनों में अगर पूछा जाए कि दोनों ही थाइमिन और थाइमिन के बीच के डाइमर है, एक साइक्लोब्यूटेन भी है और एक 6-4 पिरिमिडोन भी है, तो दोनों में से सबसे कॉमन डाइमर कौन बनेगा। तो अगर मैं कॉमन की बात करूं तो साइक्लोब्यूटेन जो है वो मोस्ट कॉमन,
तो मैंने आपको समझाया कि कैसे जो है आप नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में सारी चीजों को शो कर सकते हो। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आप शो करते हो, ये जो है वो फ्री रेडिकल भी जनरेट कर सकते हैं, और ये जो है वो आपके फोटो प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, जिसकी फ्री रेडिकल की वजह से डीएमिनेशन, प्यूरिनेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज जैसा केस हो सकते हैं। और साथ ही में जो है फोटो प्रोडक्ट में आपके पास साइटोसिन के फोटो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या तो डाइमर का फॉर्मेशन, डाइमर में प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों है, पिरिमिडिन है तो थायमिन, थायमिन मोस्टली है, और उसमें भी दो तरीके के साइक्लोब्यूटेन और 6,4 पिरिमिडोन है, और जो साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडिन डाइमर है वो मोस्ट कॉमन। ये बात समझ में आई? ठीक है।